वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस वक्त दुनिया न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन, ईद की बड़ी ईद बड़ी उमंग। हमारे साथ हैं नबील, आयशा, उमर, और हमने जैसे वादा किया था इस वक्त हमारे पास फरहान अली आगा भी पहुंच गए हैं। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी और देखने वालों को भी। आपको देर क्यों हो गई? और आप लोग ईद जी इसी मुबारक। तो मिला था मैं आते ही साथ साथ। मैंने कहा आपको देर क्यों होगी, आपको तो मेकअप की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू। नहीं, बजाय इसके कि बंदा शर्मिंदा हो वो अगला शुक्रिया। शुक्रिया। ये कॉम्प्लीमेंट लिया है। मगर एक्टर याद आ गया मुझे। सबको बताइए आपको देर क्यों हो गई। मुझे देर क्यों हुई? बस मुझे देर से पहुंचाया गया यहाँ पे। अच्छा, ओ मैंने समझा आप खुद गाड़ी चला रहे थे। मैंने पैसे लगाए थे उसको, देर से। नहीं, वो गलती मेरी थी एक्चुअली। अच्छा भाई, वो सबसे पहले गाड़ी मेरे पास आई थी, मैंने वेट कराया था क्योंकि लंच के लिए इरम की कजन और बहन आ गए थे एंड आई हैड टू सिट फॉर 10 मिनट्स। ओके, तभी मैं बिल्कुल 2 बजे आपको पूरी इतनी प्यारी 2 बजे वो लंच पे आ गए और 2 बजे गाड़ी आ गई थी। तो और इरम आपको पता खाती कितना? इरम बेचारी खाती। इरम बिनते शायद हमारी बहुत प्यारी दोस्त है, बड़ी अच्छी डायरेक्टर है, ये उसकी चोरियां कर रहे हैं ऑन एयर, मतलब करे चले जा रहे हैं ना, वो हमें प्यारी बहुत है वैसे। अच्छा जी फरहान, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। ईद कैसी गुजरी? बिजी एज यूजुअल। हलाल करते हुए? हाँ, खाते वो भी खाते हुए बिल्कुल। अभी खाते मैं देख रहा था ऑन एयर। हाँ, कलेजी खाते हुए पहले ही बता दूं। अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, वहीं से शुरुआत होती है। बड़ा मजा आता है वैसे। हाँ, कलेजी मुझे फटाफट। मैंने भी खाई सीट पे, मैंने भी नहीं खाई। कल खाना इधर जो आगे थी मिठाई का लड्डू पेड़ का गोश की पोटी। बहरहाल, वो बताया कि बच्चा कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, उसने देखा ही उसकी एक्साइटमेंट का अब क्या? तो दो हो गए ना। दो हो गए। एक जो है वो तो ऑलमोस्ट 9 का होगा। बड़े होगा अब होगा। और छोटा वाला जो 2.5 साल का है। तो वो तो दोनों को बड़ा मजा आ रहा होगा, बकरे और ये वो। बच्चों की कितनी एक्साइटमेंट होती है। और कितने प्लेस किए इनको भी मैंने पूछा वैसे, ये इसमें इनकम टैक्स का जरा हिसाब। मैं वो हिसाब गया। कितने प्लेस ईद के? हाँ, ईद के कितने प्लेस? ईद के तो मैं कोई नहीं कर सका। नहीं, बुलाया था मगर ऑलरेडी काम कर सका। हाँ, ये भी देखिए ना कि माशाल्लाह काम कितनी वैरायटी है कि आपको चूज ही करना पड़ता है कि क्या करें तो क्या छोड़ें। अभी मैंने एक मूवी में काम खत्म किया है, सबिहा सुमार। ओह हाँ हाँ, वाज इट? हाँ हाँ, कैसा कैसा एक्सपीरियंस? अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, और वो तो बिचारी घोरे आए हुए थे। बहुत हमने तो कहानियां सुनी है भाई इस किस्म की, क्यों सब अभी इसमें थी ना, तो पता चला कि अच्छा। वो शायद पहले दूसरे दिन ही कोई डाकू आ गए थे। डाकू आ गए नहीं, और जो कोई और जो कोई इंडियन आई हुई थी, वैसे अफसोस के साथ शेयर करी, ईद के तीसरे दिन ही खुशी की बात नहीं है, अफसोस की बात है कि सभी अस्सी उमर की जो फिल्म में फॉरेनर्स आए हुए थे उसमें एक इंडियन थी, उनके गले पे इतना बड़ा छुरी का निशान था। शूटिंग में भी वो बेचारी कवर रख के, क्या दिल बस कुड़ता है और दुखता है। और अल्लाह मियां से बस माफी मांगते हैं कि क्या लोग इंप्रेशन लेके, अगर कोई दो बंदे आ ही गए गलती से उस दिन, जो फिर इतना बड़ा धमाका हुआ तब भी वो पीसी में ठहरे हुए थे, तो मेहमान तो खौफ ज्यादा होकर पता नहीं उनका क्या बना। बहरहाल, अच्छा तो ये बताइए, आप फिल्म पहली दफा की है, कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस? ये तो वो फिल्म नहीं है ना जो कोई कमर्शियल नहीं है, एक स्टाइल नहीं है। सबिया इज अ वेरी कॉम्पिटेंट। मुझे इसलिए मैं थोड़ा सा कीन था कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हो जो इंटरनेशनल कैलिबर का हो और ऐसी जगहों पे देखा जाए जहाँ पे शायद ड्रामा रीच नहीं कर पाता। दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव इसके पीछे करने के लिए। अच्छा, तो आपको ऐसा रोल मिला, ऐसा लगा आपको कि ये कोई काम? क्योंकि वो जो क्या था वो उसका अपना एंजेलिना जोली की फिल्म थी जो माइटी हार्ट वाली, उसमें हम लोग मतलब गुजरे थे सिर्फ थोड़े थोड़े। कोई कोई झलक सी मारी थी हमने थोड़ी सी। नान प्रोमिनेंट रोल, बहुत अच्छा कैरेक्टर किसी का भी मुझे तो नजर नहीं आया। मुझे देखने में आया उन्होंने इंडियन, वो था इंडियन को ज्यादा, बिल्कुल इरफान खान का रोल अच्छा, इरफान की फिर भी थी कुछ जगह। तो मेरा मतलब है कि अच्छी बात होती है एक्साइटमेंट होना और ये सब दिल भी चाहता है। मैं समझता कि जो आदमी अपने जंगल का शेर हो उसको कम से कम शेर की तरह बिहेव करना चाहिए, बाहर भी जाकर को अच्छे कैरेक्टर्स करने चाहिए। नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जस्ट टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट टू बी देयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर। मजा नहीं आता, लेकिन मेरे ख्याल पता नहीं होता कि क्या किस तरह ट्रीट होगा। मे बी एडिटिंग में भी काट देते होंगे, शायद ऐसा भी हो बारह, लेकिन इसमें तो आपका तो बेहतर रोल है। क्या, सॉरी, कैन यू रिवील एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ? नहीं, वो फिल्म नहीं देखेंगे लोग, आशा क्या हो गया? मैं अपनी इंटरव्यू शुरू कर दिया, बुलबुले की बात करो, बुलबुले हो गया जो मैं सिखा के लाया था, बुलबुले की बात करो। हाँ, वो अली इमरान के लाइन से शुरू करते हैं। आप यार, आप देखिए, और मैंने पता वो हरकत की है कि जो एक टीवी एक शो है मॉर्निंग शो, उसकी कंपेयर करती रही हैं, वो अब नहीं कर रही, कि वो ब्रेक पे जाने से पहले वो कहती थी वापस आएंगे तो फिर हम ये बात करेंगे, वापस आके उन्होंने कौन सी बात की, अगले मेहमान इंतजार। वैसे मुझे पता नहीं क्यों लगता था आपा जैसे वो आपकी जवानी को कॉपी करती है।
नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही। अच्छा मैं माफी चाहता और वो वैसे खुद भी कहती थी कि अच्छा, आप मुझे पता नहीं लोग पता नहीं मुझे किसी से बड़ी बड़ी डिबेट हुई, मुझे लगा यार ये मुझे आपा नजर नहीं नहीं कभी कभार नादिया खान का कह रहे, वो हमेशा कहती थी कि मुझे सब कहते, तो मैं आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक दो दफा कॉपी कर सकता है, वो है ही ऐसी थी। हाँ ज्यादा कॉपी वो कुछ कुछ लोग पागल इकट्ठे भी पैदे हो सकते हैं दुनिया में, पैदे मैंने कहा पैदा तो कुछ मतलब है थोड़े से जो झल्ले होते हैं एक फ्रीक्वेंसी अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, मगर कुछ चीजें इन्फ्लुएंस करती है, बिल्कुल करती है, पर क्यों नहीं करती, मतलब अगर वो मानती थी तो बहुत बड़ी बात है, मानना चाहिए अगर आप को इंस्पिरेशन है। कहती थी और कहती थी आपा मुझे सब लोग कहते तो मैं बड़ा कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं आप जितनी वर्सेटाइल नहीं हूँ वगैरह वगैरह थिंग्स, लेकिन मैं जब अपने आप को बहुत कंपोज और बहुत अंडर करने की कोशिश करती हूँ या थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, जहां मैं सीरियस बात करती हूँ मेरे माइंड में भी दो तीन तस्वीरें चल रही होती हैं, मैं ताब राजदी की तस्वीर चल रही होती, तो अपने अपने दिमाग में कहीं ना कहीं आपके भी जहन में जब आप एक्ट कर रहे होते आपने कहीं नसीरुद्दीन शाह को रखा हुआ होता किसी आपने भी कोई सैफ अली खान बिठाया होता होगा कहीं, तो हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ होता तो है जिससे आप रिलेट करते हैं। नबील को तो भारत वो हाँ क्या था, अली इमरान का किस्सा बीच में रहने लगा था। नहीं नहीं किस्सा तो कोई नहीं क्या कह रहे नहीं हम उसके स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे अली इमरान, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं जिक्र करूंगा और अगर ना करा तो अगला एपिसोड नहीं देगा वो। ओके किसने पैसे दिए थे किसने अभी दूंगा जाने और ये नहीं पता कि मैं जो हूँ मुझे एक नई बीमारी लगी है, कोई अच्छा प्ले आ रहा होता है या किसी से तो मैं कहती हूँ अच्छा, या मुझे जैसे बद्दो या रुबीना सबा मेरी दोस्तें प्लेस में काम बहुत करती हैं काम, तो वो कहती हमने फलाने में कहा तो लिखा किसने था मुझे ये था कि कौन है मतलब राइटर, जैसे बद्दो आई उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या कर रही थी कि नहीं बड़ी थकी हुई हूँ बड़ा बकवास था ड्रामा है बहुत ही बुरा और पता नहीं मैं थक गई और फलाना था और ये था, मैंने कहा अच्छा किसने लिखा था मतलब बुरा था, कह लेगी पता नहीं क्या नाम था पता नहीं क्या था, नाम भी नहीं याद होता उनको सही से ना क्योंकि इतना ही कोई भारत अच्छा, तो लेकिन मैं देखो कितनी उसको प्रमोशन दे रही हूँ, मेरा तो जर्फ देखो जर्फ। हाँ नहीं मुझे इसको आप उसको क्रेडिट देना इसलिए भी बनता है कि जिस तरीके से वो शुरू में ये बड़ी इरिटेट होती थी कि यार ये क्या लाइनों पे लाइनें, अच्छा वो जैसे जुमले से जुमला निकालता है और फिर सिचुएशन में कंफ्यूजन पैदा करता है फिर उसको रिजॉल्व करता है, वो बड़ा लगता है शुरू में जब हम परफॉर्म कर रहे थे समटाइम हमें लगता था कि यार ये क्या है, लेकिन जब हम देख रहे होते हैं तो हमें लगता है यार लोग उसी बात पे इतना हंस रहे होते हैं। और दूसरा हम एक गो में अगर चार या पांच एपिसोड्स कर रहे हैं तो रोज एक डोज हमें मिल रहा होता है पूरा दिन, बट लोगों को तो हफ्ते में एक ही दफा वो डोज मिल रहा होता है, तो इट्स वेरी गुड। मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम है कि आप उसी मैं बल्कि कल परसों किसी और को भी कह रहा था कि जैसे मोदी हिना मैं और इवन आयशा तो ऐसे बीच में नहीं एक्स्ट्रा लाती, लेकिन हम तो आपको पता है बीच में हमें तो पता चल रहा है पेट में कई मुनव्वर वरीस जो है डालना है करते रहना है कि और मेरे ख्याल है तुमने नबील ने हार्डली कभी कॉमेडी की है, ज्यादातर सीरियस किया है, लेकिन वो अंदर से सारी उम्र की जो एक कॉमेडी निकल रही है और आप पता फैसलाबाद आजकल वैसे कमर्शियलिज्म इतना ज्यादा हो गया है कि जो काम करते हुए थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है ना यूजुअली वो अच्छा आ जाता है टीवी के ऊपर, क्योंकि उसमें मेहनत इन्वॉल्व हो जाती है चैलेंज हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत आसानी पेश आती है करते हुए जब मैं ब्रेक लेती हूँ तो एक छोटी सी ब्रेक, बल्कि कल मैं ये भी देख रही थी शायद सना और मोहम्मद राना के शो में ही ये दुनिया न्यूज पे कहते हैं भाई बार बार बहुत ब्रेकें मार रहे हैं आप लोग, तो भाई ब्रेक तो हमारे लिए बहुत अच्छी और सेहत अफजा नहीं ऊपर से बिस्किट आप शुक्र करें कि ब्रेकें इतनी हमें मिल रही है, तो ब्रेक के अंदर हमारे पास कुछ होता ही होगा तो हम ब्रेक लेते होंगे, हर कोई थोड़ी ले सकता है ऐसी ब्रेक है जो हम लेते हैं, तो हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं बड़ी ईद और बड़ी उमंग लेकर, आप हमारे साथ रहिएगा प्लीज।